डॉक्टर अभिषेक हजेला, मणिपाल हॉस्पिटल जयपुर के डायबिटीज रोग विशेषज्ञ। आज जैसा कि आप जानते हैं 14 नवंबर है और हम हर साल वर्ल्ड डायबिटीज डे आज के दिन मनाते हैं, तो आज भी हर साल की तरह हम कुछ आपको ऐसा बताना चाहेंगे जो आपको अपना मधुमेह कंट्रोल करने में और फायदा करेगा। सबसे पहली बात तो हमसे पेशेंट्स पूछते हैं कि खाना क्या है, कब खाना है, किस तरह खाना है। तो सबसे पहली बात तो ये कि फल और सब्जियों का सेवन ज़्यादा करें, और इसमें आप जो फल आपको नहीं खाने हैं वो है आम, चीकू, केला, अंगूर और तरबूज। इनका सेवन कोशिश कीजिए जब शुगर कंट्रोल ना हो तो ना करें। और इसके अलावा आप जो भी ये जो फल है, सेब हो गया, अनार, नाशपाती, बेर, कीवी, पपीता, ये सब आप दिन में एक बार खाइए, और हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा कीजिए। आलू और अरबी का थोड़ा सेवन कम करें। इसके अलावा अगर पूरी गेहूं की रोटी खाते हैं तो उसकी जगह मिक्स ग्रेन आटे की रोटी खाइए, तो वो थोड़ी शुगर आपकी कम बढ़ाएगी। इसके उपरांत जो हमारे पेशेंट्स मांसाहारी हैं उनसे हम ये कहते हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं खाने के तो आप फिश को चूज करें। हफ्ते में दो बार आप फिश खा सकते हैं, लेकिन फिश को फ्राई ना करें, उसको रोस्ट करें तो बेहतर होगा। फ्राई करने से उसमें चर्बी की मात्रा तेल के साथ और बढ़ जाती है, तो फिश को हम प्रोटीन कंटेंट के लिए काफ़ी फायदेमंद मानते हैं। और अंडे का अगर सेवन कर रहे हैं आप तो अंडे का सफ़ेद हिस्सा खाएं, पीला हिस्सा ना खाएं, क्योंकि उसमें प्योर चर्बी होती है और वाइट वाले हिस्से में प्योर प्रोटीन होता है। तो उबला अंडा खा सकते हैं, ऑमलेट कोशिश करें अवॉइड करें, पर उबले अंडे का सफ़ेद वाला हिस्सा खा सकते हैं आप। इसके उपरांत बात आती है व्यायाम की, तो व्यायाम हम सभी के लिए चाहे मधुमेह हो या ना हो एक बहुत एसेंशियल पार्ट है ज़िंदगी का, तो व्यायाम करना है, बिल्कुल करना है। और कोशिश कीजिए आधे से पौन घंटे का व्यायाम रोज़ करें। वॉकिंग कर सकते हैं, साइकिलिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, रोप स्किपिंग भी कर सकते हैं, पर हाँ उम्र के साथ घुटनों में दिक्कत शुरू होती है तो वॉकिंग सबसे अच्छा है। आधा घंटे सुबह करें, आधा घंटे शाम करें। और बहुत से पेशेंट बोल रहे डॉक्टर साहब संडे को, तो मैं कहता हूँ संडे को आप आराम कर सकते हैं, पर बाकी 6 दिन आपको पूरी तरह से रेगुलर होकर व्यायाम करना ही है। कुछ लक्षण जो हम कहते हैं कि शुगर डाउन जाती है, जिसको हम अंग्रेजी में हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं, उसको मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। अगर चक्कर, घबराहट, पसीना हो तो कृपया करके तुरंत घर पे तुरंत शुगर चेक करें, और अगर 80 से कम आए तो चीनी या ग्लूकोन डी घोल के पिए। 15 मिनट बाद वापस शुगर चेक करें, अगर तब भी शुगर 100 से कम है तो वापस यही चीज़ दोहराएं जब तक कि शुगर 100 के ऊपर नहीं चली जाए। और व्यायाम करते वक्त अगर व्यायाम करने से पहले आपकी शुगर 100 से कम है तो कृपया कुछ खाइए, उसके बाद व्यायाम कीजिए। कुछ लक्षण जो हम डायबिटीज़ के अंदर कहते हैं चिंताजनक होते हैं, अगर आपके पैरों में जलन हो रही है या सुन्नपन है या पैरों में रात को आग से निकलती है, बेचैनी रहती है, तो कृपया अपने डॉक्टर से संपर्क करें, वो डायबिटिक न्यूरोपैथी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पेशाब में झाग आते हैं तो उसका अपरांत ये मतलब हो सकता है कि आपके पेशाब में प्रोटीन जा रहा है, जो कि किडनी पर असर का एक सूचक है, तो कृपया करके उस तरह उस लक्षण के बाद भी डॉक्टर से ज़रूर संपर्क करें। कि छोटी छोटी बातें अगर हम ध्यान रखेंगे तो अपनी शुगर कंट्रोल में रख सकते हैं और किसी आने वाली अनहोनी से बच सकते हैं। इसी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा खाएं, अच्छा व्यायाम करें और अपने मधुमेह का ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।